हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखा था, उसने भी मेरे लिए रखा था। कैसे बताऊँ, मतलब नहीं, वैसे मैंने कभी डिमांड नहीं की। शादी तो होने का वेट करो यार, पता तो चले रंग कैसे हैं लड़के के। हस्बैंड गिफ्ट देते हैं तो इसलिए अच्छा है, इसलिए रखना है। नहीं, मैंने एक बारी पहले रखा था, लेकिन फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, फिर मेरा विश्वास उठ गया सब चीज़ों पे। कुछ अच्छा मिले, मतलब अच्छा हस्बैंड मिले, बेसिकली सबकी यही ख्वाहिश होती है। रखूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि मेरे पति को भी रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अकेली मैं ही सफर करूंगी। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। करवा चौथ एक महिलाओं के लिए खास दिन होता है, क्योंकि महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही आजकल जो नया दौर है, इसमें कुछ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखने लग गई हैं। लेकिन इस पर हम राय लेंगे, जो युवतियां हैं इस व्रत को क्यों रखती हैं, तो आइए उनसे राय जानते हैं। मैडम, आपका स्वागत है वीके न्यूज़ में। आपका नाम क्या है? टीना। अच्छा टीना जी, आप इस बार करवा चौथ का व्रत रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं रखती। क्यों? रख के क्या होगा, ना कोई बॉयफ्रेंड है ना कुछ। मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, ये नया दौर है, इसके साथ में भी नहीं नहीं, करवा चौथ में बिलीव ही नहीं करती। तो आपकी कोई फ्रेंड रही है व्रत करवा चौथ? ये रही थी एक बार। मैडम, हाँ। आपका स्वागत है वीके न्यूज़ में। आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का जी, आप व्रत रही हैं करवा चौथ? नहीं, मैंने एक बार पहले रखा था, लेकिन फिर मेरा ब्रेकअप ही हो गया, फिर मेरा विश्वास उठ गया सब चीज़ों पे। मतलब ब्रेकअप के साथ ही हो गया, व्रत भी छूट गया। तो आप अगली आगे रहेंगी, अगर मान लो अच्छा सा कोई बॉयफ्रेंड मिल गया आपको? तो सीधा पति के साथ ही, पति के लिए रखूंगी, बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं है। ना, 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 तो पति के साथ रहोगी। आपने जब व्रत रहा, मतलब एक साल व्रत रही है, उस पर आपने क्या गिफ्ट मिले आपको? नहीं कुछ भी नहीं, तभी तो ब्रेकअप हो गया, फिर मैंने गुस्सा होगी ना, फिर इसी बात पर तो ब्रेकअप। गिफ्ट को लेकर ब्रेकअप हो गया था आपका? हाँ। आपने क्या मांग की थी गिफ्ट की? ऐसी कुछ मांग नहीं करी थी मैंने, पर मैं एक्सपेक्ट तो करती हूँ ना कि वो दे, पर उसने दिया ही नहीं। बहुत अच्छे मैडम, मतलब ब्रेकअप हो गया, व्रत रखा आपने और कोई उपहार मांगा तो ब्रेकअप हो गया उसको। हाँ। लेके कोई फिर उसको डिस्क्लोज तो करो, कौन सा वो था उपहार, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। नहीं, उपहार मैंने मांगा नहीं था ना, बट उसे देना चाहिए था ना खुद, पर उसने दिया ही नहीं। पूरे दिन आप व्रत रहे, फिर उन्होंने दिया नहीं कुछ? नहीं नहीं, मैंने बीच में तोड़ दिया था। कितने बजे तोड़ दिया था? पता नहीं, 2-3 बजे तोड़ दिया होगा, 2-3 बजे, भूख लगी। आप मैडम, आप बताएं, मतलब आप रहोगी कभी, जैसे आपकी शादी हो गई तो व्रत रहोगी? हाँ, और क्या रहूंगी। अच्छा अच्छा, तो आपने कभी सोचा था? सांस मारेगी नहीं वरना, नहीं रहूंगी तो। आपने कभी सोचा था कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ व्रत रहूंगी, इस तरीके से कुछ? कभी भी नहीं सोचा। तो आपके आपका कोई बॉयफ्रेंड रियल में है ही नहीं क्या? नहीं, अभी तक नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, तो अब आपकी दोस्त और भी हो कोई जिसने व्रत रखा हो? नहीं नहीं, एक यही पागल है जो रखती है, और कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, आप इस बार करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं। इस बार जैसे हर महिला अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, इस बार आपकी क्या कामना है? लंबी उम्र की कामना तो मैं हर रोज़ करती हूँ, करवा चौथ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे उसके लिए। और मैंने करवा चौथ का व्रत अपनी बॉडी के लिए रखा है, मेरा डिटॉक्स होएगा तो इसलिए मैंने व्रत रखा, और हस्बैंड गिफ्ट देते हैं तो इसलिए अच्छा है, इसलिए रखना है। इस बार आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है, मतलब कोई मिस तो होगी कुछ? अभी डिस्क्लोज नहीं किया है उन्होंने, और मैंने थोड़ा लिस्ट दिया हुआ है, तो कुछ तो मिलेगा उसमें से। आपको मैडम जो हस्बैंड है वो करते क्या है? वो अपना बिजनेस है उनका। अच्छा, तो गिफ्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा फिर तो। उम्मीद तो यही है, लिस्ट भी मैंने अच्छी लिस्ट ही दी है। तो मैडम, आप कभी जब कुंवारी थी आप तब भी व्रत रही थी कभी? हाँ, तब भी बहुत मजा आता था, तब अपनी कजन्स के साथ करती थी, तब तो और भी मजा आता था, क्योंकि हम सब बहुत पंगे लेते थे एक दूसरे के साथ, तो कुंवारे होके भी किया था व्रत, बड़ा मजा आता था। तो आपको कोई बॉयफ्रेंड होगा उसके लिए रखा था, वैसे रख लिया था आपने? बॉयफ्रेंड से ही शादी हो गई ना। अच्छा, बॉयफ्रेंड से? अरे ये तो बहुत अच्छा है कि बॉयफ्रेंड से शादी होगी, तो मतलब बिल्कुल खुश रहती हो आप? बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम, और क्या। आपने ये करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ रखा तो है, 4 साल से कंटिन्यूस रखा है मैंने। अच्छा। ऐसे कहते कहा जाता है हमारे यहाँ कि मतलब यंग गर्ल्स भी रख सकती हैं, मतलब फॉर यू, मतलब आने वाले फ्यूचर में आपको कैसा हस्बैंड मिले, या फिर आप मतलब वो फोटो देख के नहीं, मतलब अपनी मम्मी के साथ पूजा में कथा सुन सकती हैं, मतलब फास्ट रख सकती हैं, और उनके साथ जब उन्होंने व्रत ओपन मतलब खोल लिया तो आप व्रत मतलब ओपन कर सकते हो। बाकी आप रिचुअल्स वैसे ही फॉलो करते हो, आप भी मेहंदी लगा सकते हो, न्यू ड्रेस अप हो सकते हो, और जैसे जैसे वो पूजा करती हैं वैसे पूजा फॉलो करोगे, उसके बाद उनके साथ ही आप भी अपना फास्ट ओपन कर दोगे। तो ऐसे मैंने किया हुआ है, तो कंटिन्यूस 4 ईयर से मैं रख रही हूँ, इस ईयर का पता नहीं रखना है कि नहीं रखना, डिपेंड्स ऑन माय मूड। तो आपको सलाह किसने दी मतलब जैसे रखने की? एक्चुअली मेरे नीचे जो भाभी रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली हम लोग वी आर बिलोंग फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, तो हमारे यहाँ पे करवा चौथ का फेस्टिवल मेनली पंजाबीज का फेस्टिवल है, तो हमारे यहाँ उतना ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट नहीं होता, बट मेरी मम्मा करती हैं,
लेकिन लड़कियाँ भी रखती हैं ये भाभी ने बताया था, तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था, वरना ऐसे मैं पहले नहीं रखती थी। तो आपका कुछ चाहत होगी व्रत रखने की, कुछ ना कुछ चाह होगी? हाँ, ये था कि मतलब कुछ अच्छा मिले, मतलब अच्छा हस्बैंड मिले, बेसिकली सबकी यही ख्वाहिश होती है। बट ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए भी रखा था कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ भाई सारा दिन भूखे पैसे रह के कैसा लगता है, मम्मी की प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब वो रख रही है व्रत तो आपको कैसा फील हो रहा है। एक सवाल हो रहा है मेरा, जैसे जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो चंद्रमा को अर्घ देती हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन जो कुंवारी युवतियाँ होती हैं वो किसको देती हैं? वो अर्घ नहीं देती हैं, वो मतलब वहाँ पे उस पूजा में आप प्रेजेंट हो सकते हो, आप वो अर्घ नहीं दे सकते, क्योंकि वो पूजा वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। आपका कोई पर्टिकुलर आप अगर अपने बॉयफ्रेंड के लिए रख रहे हो तो मेनली आप अर्घ दे सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता कौन है बट आप फिर भी व्रत रख रहे हो। बॉयफ्रेंड की थोड़ी बात आई, मैं ही रुक जाता हूँ थोड़ा सा, कि क्या आपकी कोई भी कोई फ्रेंड है ऐसी जिसने व्रत रखा हुआ है करवा चौथ का? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड था, वो 3 साल से रिलेशनशिप में थे, तो वो अब तो उनकी शादी हो गई दोनों की, मतलब दोनों की साथ में ही हुई है, तो वो 3 साल से व्रत रखती थी, तो एक्चुअली उनका घर भी आसपास में ही था तो वो मिल भी लेते थे, तो उसको देख के भी वो पूजा कर लेती थी, लेकिन वो फास्ट उसने मतलब रखा था, वो पूजा वूजा प्रॉपर करती थी। तो वो गिफ्ट मिलता था उनको, कुछ नहीं मिलता था? हाँ मिल जाता था, कभी मूवी, कभी पार्टी, कभी ड्रेसेस, कुछ भी, मतलब दे आर टोटली इन टू ईच अदर, दे आर अ बेस्ट कपल फ्रॉम माई साइड। क्या कामना करोगी अपने पति के लिए, कुछ ना कुछ पहले से सोच रखा होगा? स्टे हैंडसम, ऑलवेज हमेशा से हैंडसम रहे, और मतलब मेनली यही होता है, लंबी उम्र हो, वो तो खैर हिंदी बॉलीवुड मूवी का चलता रहता है। तो गिफ्ट की क्या चाह रखोगी आप? गिफ्ट में तो अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा ले, मूवी चले जाए। खाने पर बहुत जोर है आपका। हाँ वो तो हमेशा से ही है। तो अभी से आपने खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कल व्रत है, तो दबा के खा रही होंगी इस समय तो? दबा के तो रोज खाते हैं। लेकिन फिर भी कल व्रत है सोचा होगा कि कल भाई व्रत है उससे पहले खाओ दबा के, क्योंकि कल पूरे दिन व्रत रहना है, तो उस पर चलो अब आपकी बात सुन के और दबा के खा लूंगी। आपने कभी करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखा था, उसने भी मेरे लिए रखा था, उस टाइम बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था कि वो माय गॉड करवा चौथ का व्रत लाइक, और सब लोग बहुत ज़्यादा हंसते भी थे मेरे ऊपर, यार ये क्या बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रख रही है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तैयार व्यार होके, हमारे कॉलेज में हॉस्टल में सेलिब्रेट होता था करवा चौथ, वार्डन सेलिब्रेट करती थी, तो हम लोग छत पे जाके वो पूरा प्रॉपर तरीके से वही फास्ट तोड़ते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और सब लोग हंसते थे मेरे ऊपर स्पेशली कि, और मेरा बॉयफ्रेंड आता था वो मुझे नीचे हॉस्टल के नीचे खड़े होकर बॉटल से पानी पिला रहा, मेरे लिए मैगी बना के ला रहा, बहुत ज़्यादा स्वीट। अच्छा, जैसे शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो चंद्रमा को अर्घ देती हैं, तो आपने किसी को अर्घ दिया था क्या? हाँ, ऊपर छत पे जाके वही चंद्रमा को ही नॉर्मली बस पानी का ग्लास से, उतना तो हम लोग करते नहीं थे हॉस्टल में, पूजा है ना, जितना समझ में आता था उतना मस्ती में। आपके हॉस्टल में कितनी लड़कियाँ थी जो इस व्रत को रख रही थी? हाँ लगभग ना 100 में से लाइक 20-30% तो रखती ही थी। तो आपने क्या क्या मतलब क्या मन्नत मांगी थी? यही कि हम लोग हमेशा साथ रहें, जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम थोड़ा फनी होता है, आगे क्या होगा पता नहीं है, बट उस टाइम बचपने में सब लोग कर लेते हैं, मतलब पूरी साज सज्जा जो थी बिल्कुल एक करवा चौथ जो महिला व्रत रहती है उस तरीके से। जब हम थोड़ा सा इनोसेंट होते तो वही अंदर से जैसे मम्मी को देखा होता है करने के लिए, एकदम वही प्योर वही फीलिंग होती है। तो आपको मतलब जागरूक किसने किया इस करवा चौथ के व्रत को लिए? प्यार ने। अच्छा, प्यार ने जागरूक किया। अच्छा अच्छा, तो आपने आपको गिफ्ट मिला होगा कुछ ना कुछ तो आपके बॉयफ्रेंड की तरफ से? वही, वो मेरे लिए पानी की बॉटल और मैगी बना के लेके आया था। अच्छा अच्छा, तो अब आपके साथ है वो बॉयफ्रेंड जो मतलब? अच्छा अच्छा, गौरव सिंह। तो आप उनके लिए क्या कामना चाहती हैं कि मतलब कुछ ना कुछ तो कामना होगी आपके लिए? हाँ, वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो और साथ में रहे, बस ये। तो शादी भी करोगी उनके साथ? होप सो, अगर सिचुएशंस वैसी रही तो। कभी आपकी गर्लफ्रेंड रही हो तो कहा हो कि भाई मैं भी व्रत हूँ आप भी व्रत रहिए, तो मतलब ऐसी डिमांड हो रखा है आपने कभी? नहीं, आई मीन डिमांड तो थी बट मैंने कभी रखा नहीं, मेरे हिसाब से लड़कों के ये सब शोभा नहीं देता। अच्छा। हाँ, रखना चाहिए अगर आप सच में चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपके लिए रख रही है व्रत, तो इस हिसाब से आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके लिए व्रत रखो, बट आई डोंट थिंक मैंने कभी रखा है पर्सनली, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो आपकी गर्लफ्रेंड ने व्रत रखा था आपके लिए? कैसे बताऊँ, मतलब नहीं, वैसे मैंने कभी डिमांड नहीं की, और टू बी ऑनेस्ट अगर वो रखना भी चाहे तो आई से नो, क्योंकि आई डोंट बिलीव इट कि ऐसा रखने से पति की उम्र वगैरह बढ़ती। हाँ, दो इट्स बीन रिचुअल्स, बट मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मेरे लिए कोई व्रत रखे। वो व्रत रखे लेकिन फिर भी उन्होंने कभी रखा, आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी व्रत रखा, ये तो आपको पता होगा। हाँ, रखा था वैसे एक बार, बट
मेरे लिए तो वो नॉर्मल ही था, मेरे हिसाब से उसे खाना खा लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि वो एक दिन भूखी रहे। मतलब बहुत गहरा प्यार था आपका। अब इस चीज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कई ऐसी कुंवारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने इस करवा चौथ के व्रत को रखा, आपने रखा है? फिलहाल मैं उन कुंवारी लड़कियों में से नहीं हूँ जो कि शादी से पहले व्रत रख लेती हैं। हाँ, मेरा शादी के बाद भी रखने का कोई मूड नहीं है। हाँ, अगर ये है कि फैमिली फोर्स करती है तो फिर एक बार को सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि हाँ भाई व्रत रखो, और उससे सिर्फ ये दिखाओ कि मतलब वी कांट शो अ लव। मतलब आपके हिसाब से वो प्यार इजहार करना है खाली व्रत रखना? हाँ, सिर्फ व्रत से प्यार नहीं पता चलता ना, ऐसे थोड़ा ना है कि व्रत रखें तो ही हमें उनकी केयर है। व्रत के अलावा और कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि दिखता है कि हम केयर कर सकते हैं, तो व्रत मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपकी कोई फ्रेंड भी होगी ऐसी जिसने कभी व्रत रखा होगा? हाँ, काफ़ी हैं, फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं, वो तो बल्कि घर से छुप छुप के व्रत रखती है शादी से पहले, गली में वो चलनी लेके जाती है और पूछती हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, स्कूल टाइम पे बताते थे, अब तो नहीं होती बात उनसे। तो अब भी आपकी कोई फ्रेंड है जिसने अब इस बार भी व्रत रखा हो? नहीं, इस बार तो नहीं, पता चलेगा, फ़ोन कर करके बताएंगे धीरे धीरे कि हाँ रखा, ये हुआ वो हुआ बताएंगे। जब फैमिली का फोर्स आएगा तभी व्रत रखोगी, और वो भी शादी के बाद? हाँ, लेकिन नहीं रखूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि मेरे पति को भी रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अकेली मैं ही सफर करूंगी। पहली बार ऐसी हमारे साथ जो युवती जुड़ी है, पहली बार जिन्होंने साफ कहा है कि अगर हमारे पति रखेंगे व्रत तो मैं रखूंगी, नहीं तो नहीं रखूंगी। और हाँ, क्योंकि सिर्फ औरतें ही क्यों करें, उनकी मतलब मन्नत ही क्यों मांगे उनकी लंबी उम्र की, भाई हमें भी जीना चाहिए, हमें भी लंबी उम्र तक जीना चाहिए, तो उनको भी रखना चाहिए। इस बात व्रत रही हैं करवा चौथ? नहीं, मैं फास्ट तो नहीं रख रही, यूजुअली मैं रखती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा है रिलेशनशिप में जो ऐसे करवा चौथ के लिए व्रत रखती है, बिना एज का मैटर करे, स्कूल में भी होते हुए रखती है, फिर कॉलेज में तो फिर होता ही ये काम है। आपके हिसाब से ठीक है क्या व्रत रहना ऐसे, मतलब महिलाओं को जो शादीशुदा तो रहती हैं, लेकिन जो कुआरी जो युवतियां रहती हैं वो आपके हिसाब से ठीक है क्या? नहीं, कुआरियों के लिए आई डोंट थिंक सो इट इज़ राइट, बिकॉज जब तक शादी नहीं होती तो मैं एक रिलेशनशिप के बारे में कंफर्म नहीं होते, और अगर तुम एक रिलेशनशिप के बारे में कंफर्म नहीं हो तो हाउ कैन यू बी सो सीरियस क्यों तुम उस इंसान के लिए व्रत रख रहे हो, शादी तो होने का वेट करो यार, पता तो चले रंग कैसे हैं लड़के के। आपका बॉयफ्रेंड है कोई? मैं यूजुअली अभी तो सिंगल हूँ, पर मैं पहले बॉयफ्रेंड था मेरा, अभी सिंगल हूँ। मैंने कभी व्रत नहीं रखा उसके लिए, मैं सोचती थी रखने के लिए, पर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इस एज में व्रत रखूंगी, जो होगा देखा जाएगा आगे जाकर। तो उसने कहा था जैसे कि? हाँ, उसने बोला था मुझे एक बार, बट ठीक है, उसने भी सी मैंने मना कर दिया था उसको प्यार से कि मुझे नहीं रखना। उन्होंने कुछ, आपने कुछ गिफ्ट की डिमांड की थी क्या? नहीं नहीं, करवा चौथ तो बिल्कुल नहीं, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सकते, करवा चौथ कभी नहीं करा मैंने। तो आपके हिसाब से आपके घर में रहते होंगे करवा चौथ का व्रत? हाँ, मेरी चाची, मॉम तो नहीं बट मेरी चाची रहती है, एंड वही ऐसा होता है कि अच्छे से तैयार होना, साड़ी वाड़ी पहनना, प्रॉपर ज्वेलरी एंड बहुत अच्छे से तैयार होना, मेहंदी लगवाना हाथ में, मेहंदी तो मैं भी लगवा लेती हूँ ओकेजन। जब आपकी शादी हो जाएगी, हाँ, उसके बाद क्या आप व्रत रखोगी? वो डिपेंड करता है फैमिली क्या चाहती है व्रत रखना है या नहीं रखना, अगर फैमिली ने बोला कि मतलब किसी किसी फैमिली में नहीं होता, अब मैं जाट हूँ तो जाटों की फैमिली में नहीं होता, अगर मैं जिस लड़के के साथ शादी करूँगी और शादी में अगर वो बोल रहे हैं फैमिली में अगर है रिवाज की रखना है तो मैं रखूँगी प्रॉपर। अच्छा, आपके हिसाब से ठीक भी है? और हाँ ठीक भी है, अगर लड़का अच्छा है तो प्रॉपर है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मतलब प्यार इजहार करने के लिए पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार इजहार करने के लिए पूरा। जैसा कि आपने देखा कि इस बार भी शादीशुदा महिलाएं नहीं बल्कि कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखने के लिए उत्साहित हैं। ऐसी तमाम तरह की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि इस करवा चौथ के व्रत को लेकर कई कुंवारी लड़कियों का साफ कहना है कि इस करवा चौथ के व्रत को रखना चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ कुंवारी जो लड़कियां उनका साफ कहना है कि इस व्रत से प्यार का इजहार नहीं किया जा सकता। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, शुक्रिया।